इस तरह ऊपर वाले का ड्यूरेशन आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे, नीचे वाले का ड्यूरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब दोनों का ऑन और ऑन टाइम बराबर होगा, ऑफ टाइम बराबर होगा, वहाँ एवरेज जीरो होगी, साइन वेव का वहाँ जीरो क्रॉसिंग चल रहा होगा। फिर इस तरह करके ऑन टाइम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ऑफ टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑन टाइम और कम, ऑफ टाइम और ज़्यादा। ये क्यू टू के लिए, ये क्यू टू कर रहा, नीचे वाले अजान हो रही है, फिर बाद में बात करते हैं। ये तो पता नहीं क्या हो गया कंप्यूटर को कि इसमें टू क्वाड्रेंट जो किस तरह से जो है वो ज़रूरी है इसके अंदर, उसको इतना अच्छे तरीके से इस ऑथर ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन खैर मैं आपको बता तो दूंगा। वो नीचे ऑटोमेटिकली फायरफॉक्स खुल गया, तो वो जब बंद होगा तो यस ये क्वेरी अभी वो बनाना होता है ना, इन्वर्टर भी है ना, आवाज आ रही मेरी और चीज़ें चल रही है सारी आप लोग। ये जो इक्वेशन है ना, यस ये इक्वेशन, ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ये बेसिकली SPWM सिग्नल जनरेट करने का फॉर्मूला है, तो इसका ऑपरेशन देख लेते हैं तेजी से, फिर नमाज के लिए ब्रेक लेते हैं कि ऑपरेट कैसे करता है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि मैंने तो पिछले पिछला जो ग्राफ बनाया था ना ब्लू कलर का, उसमें मैंने ऑन और ऑफ लिखा था, ऊपर ऑन था नीचे ऑफ था। तो यहाँ चूंकि ये इन्वर्टर है, इसमें दो ट्रांजिस्टर हैं, तो एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ होगा। तो जब Q1 वाला यानी ये ऊपर वाला ऑन होगा तो उस वक्त पॉजिटिव वेव फॉर्म बनेगी, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे जाता है। और जैसे थ्योरी में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब Q2 ऑन होगा तो करंट नीचे से ऊपर जाएगा, मेकिंग द नेगेटिव साइड अपीयर एट द टॉप एंड पॉजिटिव साइड अपीयर एट द बॉटम। तो इसलिए Q1 के ऑन होने से आउटपुट पे क्या नजर आएगा, ये आउटपुट कौन सी, ये जो डायोड यानी LC फिल्टर से पहले डायोड और ग्राउंड के दरमियान जो जो आउटपुट वोल्टेज है ना, ये उसका ग्राफ बना फिलहाल जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है। ये LC फिल्टर्ड ग्राफ नहीं है। तो इसमें जब Q1 ऑन होगा तो जाहिर बात है कि उस वक्त ऊपर से करंट नीचे को जाएगा, बिकॉज Q1 इज एट हायर पोटेंशियल, ऊपर वाले सोर्स के साथ कनेक्टेड है, VG के ऊपर वाले दो VGs है ना, एक नीचे और एक ऊपर है। तो इस वजह से ऊपर से करंट जब जाएगा तो Q1 के ऑन होने से पॉजिटिव वोल्टेज बनेगी, और जब Q2 ऑन होगा तो नेगेटिव वोल्टेज बनेगी। और इसी तरह हमें तरतीब बा तरतीब Q1 का ऑन टाइम आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते जाना है। जैसे आप देख रहे हैं विड्थ यहाँ कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है, यहाँ बहुत कम है। तो इसी तरह से Q2 का जो ऑन टाइम है वो बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ Q2 ज़्यादा सारा ऑन होगा तो आपको पता है कि एवरेज वैल्यू नीचे को जा रही है, नेगेटिव साइड की साइन वेव बनेगी। और ये वाली चूंकि Q1 का ज़्यादा ऑन टाइम है तो इस वक्त एवरेज वैल्यू जो है ना वो साइन वेव की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। और यहाँ अगर आप देखें Q1 का टाइम और Q2 का टाइम, ये तकरीबन सेम है, तो ये वो जगह है जहाँ एवरेज वैल्यू जीरो होगी। तो इस वक्त साइन वेव का क्या होगा, पीक होगी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो क्रॉसिंग होगी, बताएं। जीरो क्रॉसिंग जी, जीरो क्रॉसिंग होगी, क्योंकि Q1 और Q2 का जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है, वो यहाँ पर जीरो हो रही है ओवरऑल एवरेज। इन जगहों पर थोड़ा बाएं हाथ पे मूव करें तो एवरेज वैल्यू पॉजिटिव साइड पे, और दाएं हाथ पे मूव करें तो एवरेज वैल्यू नेगेटिव साइड पे। तो इस तरह हम साइन वेव मुकम्मल करते हैं। मैंने इसी रिकॉर्डेड लेक्चर में पीछे बताया भी था कि ये जो मैंने पल्सेस बनाई हैं, स्क्वायर वेव्स बनाई हैं, ये बहुत खुली खुली हैं। ये एक साइन वेव के अंदर हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ पल्सेज आ जाए, यानी फॉर एग्जाम्पल 50 हर्ट्ज की एक साइन वेव है ना पूरी, और एक साइन वेव को मुकम्मल करने में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कम्प्लीट करने में 20 मिलीसेकेंड्स लगते हैं। तो 20 मिलीसेकेंड्स के अंदर हो सकता है कि इस जैसी जो क्लॉक पल्सेज हैं उनकी तादाद 100 हो। तो 100 का मतलब क्या हुआ कि 20 मिलीसेकेंड है ना, तो कितना हो जाएगा, 200 माइक्रोसेकेंड बन जाएगा। 20 मिलीसेकेंड डिवाइडेड बाय 100 करेंगे कितना बनेगा, 0.2 मिलीसेकेंड बन जाएगा, या माइक्रोसेकेंड में क्या बनेगा, 20 मिलीसेकेंड डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा 0.2 मिलीसेकेंड, और ये बन जाता है 200 माइक्रोसेकेंड। एक क्लॉक का यानी एक कंप्लीट क्लॉक साइकिल का जो टाइम है वो कितना बन जाएगा, 200 माइक्रोसेकेंड। तो यहाँ क्योंकि पेज पे मैं इतना तेज़ नहीं बना के दिखा सकता, मैंने उसे एवरेज बताई है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई एकदम आपको कम नज़र आ रही है, इसकी चौड़ाई और ज़्यादा कम नज़र आ रही है, और इसकी चौड़ाई और ज़्यादा कम। तो इतना बड़े बड़े मैंने स्टेप्स लिए हैं,
क्योंकि जाहिर बात है मैंने ड्रॉ करना है आपको समझाने के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसकी जो Q1 की ऑन टाइम है और Q1 का नेक्स्ट वाला जो ऑन टाइम है, इनमें ड्यूरेशन की कमी बहुत मामूली होती है, क्योंकि बहुत सारी पल्सेस होती हैं, तो इसलिए बहुत ग्रेजुअल ट्रेंड होता है। इतना एकदम अब्रप्ट ट्रेंड नहीं होता कि एकदम पहले Q1 का इतना बड़ा ऑन टाइम था, फिर एकदम और छोटा हो गया और छोटा हो गया, और 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ पल्स के ऊपर बिल्कुल Q1 की हैसियत ही खत्म हो गई। तो रियल केसेस में ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इनका ट्रेंड जो है ना फ्रॉम हायर ऑन टाइम टू लोअर ऑन टाइम, ये बड़ा ग्रेजुअल होता है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया? ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ग्रेजुअल ट्रेंड होता है और ये बहुत सारे पल्सेस होती हैं, यहाँ बहुत थोड़ी मैंने दिखाई है। यस सर, समझ आ गया। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें फिर नमाज का टाइम हो गया था इस ऑडियो में, तो मैं देखता हूँ अगर इसी के अंदर है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको दूसरी जो मेन लेक्चर है वो लगा लेता हूँ। ये थोड़ा सा पीस था नमाज से पहले, उस दिन जिस दिन पहले पिछले साल क्लास हो रही थी, मैं इसको चलाता हूँ, देखते हैं कि कहाँ पर ख़त्म होता है। है ना, आवाज आ रही मेरी? और कैपेसिटर, दीज टू आर द फिल्टर्स, जो कि वो जो स्क्वायर वेव की स्विचिंग है उसको वो उसका एवरेज लेते हैं और साइनोसाइडल सिग्नल जनरेट करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें जाहिर बात है जब हमने ऑल्टरनेटिंग करना है तो पहले साइकिल में करंट यूं जाएगा जिसमें पॉजिटिव साइकिल बनेगा, और उसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वो एक तरतीब के साथ ग्रेजुअली राइज होगा, कांस्टेंट होगा, फिर फॉलिंग होगा, फिर जीरो को टच करेगा, लेकिन इस पोर्शन अप टू डाउन होगी। ठीक हो गया। फिर क्या करना है हमने? फिर हमने दूसरा साइकिल को करके आना है कि जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन इस वजह रिवर्स से हो। वो स्क्रीन में शो नहीं हो रहा आप जो लिख रहे हैं। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा था कि आपकी जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट वो किस तरह फ्लो करेगा कि आधे साइकिल में ऊपर से नीचे फ्लो करेगा और दूसरे साइकिल में नीचे से ऊपर फ्लो करेगा, अल्टरनेटिंग अंदाज में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के साथ। जब एवरेज प्लस की तरफ होगा तो दूसरा डुअल एरो फॉलो हो जाएगा, और जब टू टू का एवरेज टाइम ऑन टाइम ज़्यादा होगा टू वन का ऑन टाइम कम होगा, नेगेटिव साइकिल चल रहे होंगे तो एरो नीचे से ऊपर जाएगा। जी, हम वापस आ गए हैं। वो बीच में कंप्यूटर वो जो टास्क मैनेजर मैंने खोला था, नमाज से बाद जाके फिर भी सांस के बाद उतर आ गए, साइकिल बनाना होता है और उतर आ गए थे। तो मैं बता रहा था कि हमने साइन वेव में क्या करना होता है कि पॉजिटिव साइकिल बनाना होता है और जो है नेगेटिव साइकिल बनाना होता है। नेगेटिव को मैं ब्लू के साथ बना रहा हूँ, ये नजर आ रहा है ना जो बन रहा है अभी? यस सर, ठीक। ठीक है। तो इसमें Q1 जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव साइकिल के लिए, यानी कि इसमें हम यूं कहेंगे कि Q1 का ऑन टाइम रिलेटिवली ज़्यादा होगा, Q2 का ऑन टाइम रिलेटिवली कम होगा, जिसकी वजह से और आहिस्ता आहिस्ता ऑन टाइम का एवरेज वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि ऑन टाइम Q1 का बिल्कुल मैक्सिमम होगा और उस वक्त Q2 बहुत थोड़ी देर के लिए ऑन होगा। तो ये वो वाला टाइम होगा जब हम पॉजिटिव रेड वाले पीक के ऊपर आए होंगे जहाँ मैंने एरो बनाया, और जब Q1 और Q2 का ऑन टाइम बराबर होगा और ऑफ टाइम बराबर होगा तो हम जीरो क्रॉसिंग पे आ जाएंगे, और जब Q2 का ऑन टाइम मैक्सिमम होगा तो हम नेगेटिव के पीक पे आएंगे, क्योंकि Q2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग नेगेटिव साइड ऑफ द सिग्नल साइन वेव का। तो इसमें हमने क्या करना होता है वैसे बेसिकली, कि साइनोसाइडल सिग्नल में होता यूँ है कि हमने करंट को कभी कभी हमने करंट को ऊपर से नीचे गुजरवाना होता है, वो पॉजिटिव साइकिल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेड कलर और ब्लू कलर को साथ में जेहन में रखें, जब ऊपर से करंट नीचे को जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज में ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा,
तो जो कि एक अलामत है आपकी एक साइन वेव सिग्नल की, एक साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट के, अल्टरनेटिंग करंट की अलामत है कि हाफ साइकिल में करंट ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा। फिर जब नेगेटिव साइकिल की बारी आएगी तो करंट नीचे से ऊपर जाना चाहिए और उस वक्त जो है वो आपका नीचे प्लस होगा ऊपर माइनस होगा, यानी अल्टरनेटिंग का मतलब यही होता है ना, करंट अल्टरनेट कर रहा है। तो ये चीज़ हमने अचीव करनी है वी आउट में, कभी करंट नीचे से ऊपर जाए और कभी करंट ऊपर से नीचे आए, ताकि साइन और आए भी साइनोसाइडल अंदाज में ऐसे कर्व करके, यकदम ये ना हो कि यकदम फौरन पॉजिटिव आ रहा है और यकदम नीचे नेगेटिव आ रहा है। दीज स्विचेज आर क्वाइट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, और बड़ी इजीली वो ये काम कर सकते हैं कि क्यू वन को मुसलसल ऑन रखे तो ऊपर वाला बन जाएगा, क्यू टू को मुसलसल ऑन रखे तो नीचे वाला बन जाएगा। जो इंडक्टर कैपेसिटर लगा हुआ थोड़ा सा किनारियों को ज़रा सॉफ्ट कर देंगे, यानी ये चीज़ बना देंगे, लेकिन आपकी ये राउंड कॉर्नर ज़रा बन जाएंगे थोड़े से। लेकिन ये नहीं होगा कि आपको बिल्कुल सारी पहले यार राउंड बनाया, तो इंडक्टर कैपेसिटर थोड़ा सा रिंगिंग इंसर्ट कर देंगे या हो सकता है नॉइज़ थोड़ा सा डाल दें, लेकिन ये है कि वो कोई इतना अच्छा साइन वेव नहीं बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि BJTs को प्रॉपरली ऑन ऑफ करना पड़ेगा इन सच अ वे कि वो आपको एक साइन वेव का सिग्नल दे। वो जिस तरह ऑन करना ऑफ करना मैंने बताया कि ड्यूटी साइकिल ग्रेजुअली ऑन ऑफ की इंक्रीज करनी है, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करनी है, ताकि एवरेज वैल्यू आपकी साइन वेव की बने। अभी हम ब्रेक ले लेते हैं नमाज के बाद, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ एज पर स्टूडेंट। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्यू वन मुसलसल नहीं ऑन होता, जैसे SPWM मैंने बताया था ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्यू वन का ऑन टाइम बढ़ता जाएगा, क्यू टू का ऑन टाइम कम होता जाएगा, आप पॉजिटिव वेव फॉर्म बना लेंगे, और इस तरीके से जब क्यू टू का ऑन टाइम बढ़ता जाएगा क्यू वन का ऑन टाइम कम होता जाएगा तो आप नेगेटिव साइकिल बनाएंगे। लेकिन अगर हम पूरे 10 मिलीसेकंड के लिए सिर्फ क्यू वन को ऑन रखें तो एक चकोर ऊपर को बन जाएगी वेव फॉर्म, और अगले 10 मिलीसेकंड के लिए क्यू टू को मुसलसल ऑन रखें और क्यू टू को बिल्कुल ऑफ रखें तो आपके पास एक नेगेटिव साइड की वेव फॉर्म बन जाएगी और आपकी स्क्वायर वेव बनेगी, आउटपुट पे प्योर साइन वेव नहीं बनेगी। आप लोगों ने ये पॉइंट अचीव कर लिया, समझ लिया? यस सर। ठीक है, क्योंकि हमने देखें एक ही वेव फॉर्म है ना, पॉजिटिव साइकिल चल रहा हो तो हम सिर्फ क्यू वन को ऑन नहीं रखते, हम असूलन तो पॉजिटिव साइड की जो जनरेशन है वोल्टेज की वो क्यू वन रिस्पॉन्सिबल है, क्यू टू जब ऑन होता है तो वो नेगेटिव साइड की वोल्टेज बनाता है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, द डिफरेंस इज कि हम क्यू वन और क्यू टू को अल्टरनेटिंगली ऑन कर रहे हैं एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बट कर क्या रहे हैं कि हम क्यू वन का ऑन टाइम बढ़ा देते हैं रिलेटिव टू क्यू टू। तो हम कहते हैं ऑन एवरेज क्यू वन ज़्यादा ऑन है तो इसलिए पॉजिटिव वेव फॉर्म बनेगी, तो और इस तरह क्यू टू ऑन एवरेज जब ज़्यादा ऑन होगा तो उस वक्त नेगेटिव साइड की वेव फॉर्म बनेगी, और उनका एवरेजिंग इफेक्ट इस तरह से है कि क्यू वन हम एकदम से फुल ऑन नहीं करते बल्कि ग्रेजुअली क्यू वन क्यू टू का ऑन टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं, एवरेज डाउनवर्ड शिफ्ट होती है। एक और बात जो एडिशनल है इसमें, अब लैब में आप परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर गेटिंग सिग्नल को आप देखें और आउटपुट वेव फॉर्म को देखें तो उसमें थोड़ा सा शिफ्ट आएगा, यानी आप जहां पर क्यू वन एंड क्यू टू का ऑन टाइम बराबर होगा उस जगह पर आप देखेंगे कि आपकी जीरो क्रॉसिंग नहीं आ रही, थोड़ी सी डिले से आएगी, वो एल और सी के थोड़ा सा लीड लैग वाला इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से आपका जो एवरेज वैल्यू है वो उस वक्त ज़ीरो होनी चाहिए लेकिन एक्चुअली वहाँ पर ज़ीरो नहीं होती, थोड़ी देर बाद वो ज़ीरो क्रॉसिंग आती है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा तो क्यू वन और क्यू टू का टाइम ऑन टाइम बराबर है, यानी क्यू वन भी उतने टाइम के लिए ऑन है, क्यू टू भी उतने टाइम के लिए ऑन है, तो ऑन एवरेज वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए आउटपुट वोल्टेज में क्योंकि दोनों ऑन टाइम बराबर है, लेकिन एवरेज जो है वो थोड़ी डिलेड आएगा, जो आपका आउटपुट वोल्टेज का रिस्पॉन्स है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, थोड़ी सी आपके आउटपुट में डिले आएगा, तो इसलिए उस चीज़ से परेशान नहीं होना, वन टू वन आप कंपैरिजन ऐसा नहीं कर पाएंगे लैब के अंदर जब आप उसको देखेंगे। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ, दूसरी वाली हम चलाते हैं। यहाँ से बेसिकली ग्राउंड इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टर्मिनल। अच्छा, आपको ये समझ आ रही है ना आवाज की? अभी मैंने पॉज कर दिया। नहीं, ठीक है। अच्छा, ये काम हम ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, इनका पाथ सारा समझा चुका हूँ, पिछले लेक्चर में हमने सारा इसी पे टाइम लगाया था, ये भी हम कर चुके हैं और इसको मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा। इसमें जो आगे असल में हमने इक्वेशन 4.2 समझनी है, और इससे पिछले पेज पे जो मैंने आपको जिम्मे लगाया था, आप तो खैर ऑनलाइन क्लास है मैं नहीं देख सकता, मैंने कहा था मैं रजिस्टर आके चेक करूँगा कि स्टूडेंट्स ने इक्वेशन डिराइव किए या नहीं, तो उसकी डेरिवेशन आज हमने करनी है, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, ये काम आपको पता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो क्या होगा, और डायोड उसके मुकाबले में क्यों ऑन होगा, क्योंकि जब क्यू वन ऑन होता है तो तीनों चीज़ें ऑफ होती हैं, रिवाइज करवा रहा हूँ, और जब क्यू वन ऑफ होता है तो उसके डायगनल वाला डायोड ऑन हो जाता है, और उसको ऑन कौन करवाता है, डायोड इंडक्टर की रिवर्स वोल्टेज उसको ऑन करवाती है, और जब हम क्यू और ये डी टू जब ऑन होता है तो क्यू टू को प्रोटेक्ट कर रहा था बेसिकली, और जब हम क्यू टू को ऑन करते हैं तो तीनों डिवाइसेस ऑफ होते हैं, डी वन क्यू वन डी टू तीनों ऑफ होते हैं, और जब हम क्यू टू को ऑफ करते हैं तो उस वक्त कौन सा डायोड ऑन होना चाहिए, कौन सा चीज़ें ऑन होनी चाहिए जब क्यू टू ऑफ होगा, तो आप लोग बताएं ताकि मुझे आइडिया हो, कुछ पता भी है पिछले लेक्चर का, कुछ याद भी है कि नहीं जी, बताइएगा जब Q2 ऑफ होगा तो नीचे वाला डायोड ऑन होगा, नहीं जब Q1 ऑन होगा तो उस वक्त तो कोई चीज ऑन नहीं होगी, क्योंकि Q1 जब ऑन होगा तो हमने Q2 को खुद से ऑफ करना है, अदरवाइज शूट थ्रू हो जाएगा, तो ये तो हमारे कंट्रोल में है ना Q1 एंड Q2, तो Q1 जब ऑन होगा तो लॉजिकली स्पीकिंग Q2 को ऑफ होना चाहिए, और बीच में मैंने बताया था कि डेड टाइम भी होता है, जब Q2 ऑफ होगा तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे फिर Q1 को ऑन करेंगे, जब Q1 ऑन हो गया तो D1, D2, Q2 तीनों ऑफ होंगे, क्योंकि Q2 को हमने खुद ऑफ कर दिया और D1 एंड D2 का हमने पाथ खुद देख लिया कि वो ऑफ ही रहता है, और जब हम Q1 को ऑफ करेंगे तो उस वक्त कौन सा डायोड ऑन होगा और कौन से डिवाइसेस ऑफ होंगे, Q1 ऑन से ऑफ हालत में जा रहा है, अब बताएं Q1 ऑफ से सॉरी ऑन से ऑफ हालत में जा रहा है उस वक्त, सर D2 जो है वो ऑन होगा जब Q1 ऑफ, जी बताइए दोबारा बताइए, हाँ जी Q1 जब ऑफ होगा तो ऑफ होते हुए इंडक्टर की एक बैक जो है ना वो Q2 में से पास होना चाहेगी, लेकिन उसको कौन बचा लेगा, डायोड D2 कंडक्ट करके बचा लेगा, इसीलिए हम ये करंट वाई डायरेक्शनल टू कोऑर्डिनेट स्विचेस की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना बेसिकली इसमें, तो इसी तरह आप मुझे बताएं कि फॉर एग्जाम्पल Q2 ऑन था और Q2 ऑन हो के अब ऑफ हुआ तो अब क्या होगा, चीज ऑन होगी और कौन सा डिवाइस ऑफ होगा, सर D1 के ऊपर अगर देखा जाए पोलैरिटी पॉजिटिव साइड पे आ जाएगी इंडक्टर के क्रॉस, तो D1 ऑन हो जाएगा, जी दोबारा बताएं, मैं जरा पंखे की स्पीड आहिस्ता करने गया था, वो पंखा तेज चल रहा है, सर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी इंडक्टर के क्रॉस पॉजिटिव आएगा तो D1 कंडक्ट करेगा, हां जी पर उसको पोलैरिटीज को फिलहाल हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, हम मैं सर रफली बता रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, आपने सही कहा कि जब Q2 ऑफ होगा तो उस वक्त D1 कंडक्ट करेगा, क्योंकि इंडक्टर जो है वो किक बैक देगा और उससे करंट Q1 से पास होना चाहेगा रिवर्स डायरेक्शन, यानी एमिटर से करंट एंटर होना चाहेगा, तो उसको डायोड D1 प्रोटेक्ट करके तो करंट का पाथ मुकम्मल कर लेगा, प्लस को लेफ्ट पे और माइनस को राइट पे करवा के करंट की पोलैरिटी को वही इंश्योर्ड रखेगा, अब देखना यह है कि करंट कहाँ जाता है, करंट के पास दो रास्ते हैं, ऊपर कंडक्ट करेगा और इस बैटरी को, बैटरी में चार्जिंग इफेक्ट आया था ना अब ऊपर वाली बैटरी में, और इधर से यूं पाथ अपना ये हो जाएगा, हो गया होगा तो उस एक्ट करेगा रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटी साइकिल, ये बनता है इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन, ये रिलेशन कैसे बनी, ये बड़ी आसान है, इसको बनाना बड़ा आसान है, वो देख लेते हैं, अभी पहले इस इक्वेशन को समझ लेते हैं, अगर ड्यूटी साइकिल 50% हो तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, इफ डी इज इक्वल टू 0.5, इसका मतलब ये होगा वोल्टेज आपकी जीरो है, 2 मल्टीप्लाई 0.5 1, 1 माइनस 1 जीरो, तो आउटपुट वोल्टेज जीरो होगी, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर मुसलसल फिक्स्ड 50% ड्यूटी साइकिल के ऊपर दोनों ट्रांजिस्टर्स को चलाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आधा टाइम ये ऑन होता है फिर आधा टाइम ये ऑन होता है, तो आपकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी आउटपुट की, वो जीरो आएगी, क्योंकि आपने वो SPWM अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, आप सिंपली ऑन कर रहे हैं एक वक्त में फिर आधा टाइम ऑफ, इस तरह की आपकी आउटपुट आ रही है, तो LC फिल्टर उसको एवरेज करके ज़ीरो कर देगा, एवरेज मूविंग हो ना, कि एवरेज कभी हल्की सी ऊपर को ज़्यादा वे कर रही है, कभी ऊपर आहिस्ता आहिस्ता नीचे को वे करती है, तो जब उसमें हम एवरेज निकालते हैं तो हमें साइनोसाइडल मिलता है, लेकिन इस केस में साइनोसाइडल नहीं मिल रहा, चूंकि हमने फिक्स ड्यूटी साइकिल रखी है, ऑन टाइम जब जितना है उतना हमेशा के लिए ऑन टाइम रह रहा है,
और जितना ऑफ टाइम है नीचे उतना ऑफ टाइम वो ऑन टाइम और ऑफ टाइम इस केस में बराबर ऑलमोस्ट मैंने बनाए। तो अगर एलसी फिल्टर से गुजारेंगे तो इसकी एवरेज एलसी फिल्टर क्या कर देगा, स्ट्रेट जीरो कर देगा। इसलिए ये इक्वेशन बिल्कुल सही हमें बता रही है कि आपकी जो ड्यूटी साइकिल है अगर आप उसको 50% रखते हैं देन योर आउटपुट विल बिकम ज़ीरो। लेकिन अगर कोई ऐसा काम करें कि जिसमें ड्यूटी साइकिल के अंदर वेरिएशन आए विद द पैसेज ऑफ टाइम, सीधी स्ट्रेट 50% ना हो बल्कि शुरू हो 0% से, ग्रेजुअली मूव हो 1%, 2%, 3%, ड्यूटी साइकिल इंक्रीज होती जाए और ड्यूटी साइकिल में जो इंक्रीज का पेस है वो साइनसॉइडल हो, यानी यहाँ 0% पे ड्यूटी साइकिल है, यहाँ पर 1% है तो यहाँ पर 3% हो, यहाँ पर 8% सॉरी इसको 10% कर देते हैं, यहाँ पर 25% हो, यहाँ पर 50% हो, बल्कि यहाँ पर 70% कर देते हैं क्योंकि रेट ऑफ चेंज यहाँ बहुत ज़्यादा, बल्कि ये भी गलत नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपका 20% इंक्रीज हो, यहाँ पर यकदम 40% इंक्रीज हो क्योंकि रेट ऑफ राइज इन साइनसॉइड जहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर हो जनाब 50% का राइज, इधर आके यहाँ पर आके आपका 70% हो जाए और फिर 80% हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता मैं परसेंटेज रिड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ 90% हो जाए, यहाँ 95% हो जाए और इधर आके आपकी 99% ड्यूटी साइकिल हो जाए, बिल्कुल 100% भी नहीं करना। तो आपने देखा यहाँ पर रैपिड पेस है, 0 से 20 बहुत बड़ा गैप है, फिर 20 से 40 भी बड़ा गैप है, फिर 10 का गैप है, यहाँ पर भी आपको बल्कि मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पर 55 कर लेना चाहिए, यहाँ पर 20 का गैप डाला मैंने जानबूझ के, यहाँ पर 15 का गैप डाला है, यहाँ पर भी 15 का गैप है, यहाँ पर 10 का गैप है, फिर यहाँ पर 5 का ऑलमोस्ट गैप है, यहाँ 1 का गैप है। तो ये साइनसॉइडल अंदाज से आपकी ड्यूटी साइकिल में अगर वेरिएशन आ रही हो ना कि पहले 0% है, फिर 0.2% 0.2 यानी 20% हो गई, फिर 40%, तो उसकी जो आउटपुट एवरेज आएगी ना फिर एवरेज वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार्टिंग में 0.2 पुट कर दें तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2.4 आ गया, तो 0.4 मल्टी माइनस 1 तो यहाँ आ जाएगा -0.6। इसका मतलब ये है कि 60% ऑफ द टाइम Q2 ऑन है और 40% ऑफ द टाइम Q1 ऑन है, तो एवरेज नेगेटिव वाली साइड पे है। तो अगर एवरेज लेंगे तो साइन वेव का नेगेटिव वाला हिस्सा बन रहा होगा उस वक्त, समझ रहे बात इस इक्वेशन को देख के। तो हेयर डी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम नॉट अ कॉन्स्टेंट ड्यूटी साइकिल एंड दैट ड्यूटी साइकिल इज वेरिंग बिटवीन 1% टू 99% एंड देन बैक टू 99% से 1% टाइम के साथ ही वेरी कर रही है, जिसकी वजह से एवरेज जो है ना वो कभी ऊपर को जाती है कभी माइनस में चली जाती है। इसीलिए कभी अगर आप देखें कि अगर ड्यूटी साइकिल की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 होगा तो एवरेज जो है वो ऊपर को होगा, तो आपकी इस पूरे सम की वैल्यू पे एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, विच मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव हाफ साइकिल एट दैट। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किस टाइप है, लेकिन है पॉजिटिव साइकिल में इस वक्त एग्जिस्ट करते। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी साइकिल की जो वैल्यू है वो लेस देन 0.5 है तो आप उस वक्त नेगेटिव वाली साइड पे, नेगेटिव साइकिल वाली साइड की बात कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं। अगर आप बहुत ही लेस हैं 0.5 से यानी 0.1 पे हैं तो आप नहीं यहाँ लाइक कर रहे हैं, ड्यूटी साइकिल बहुत ही नीचे को फेवर कर रही है तो एवरेज नीचे को वे कर रहा है, तो उसकी वजह से आपकी आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव साइड पे डोमिनेंट है। तो ये आपकी ड्यूटी साइकिल का ये इक्वेशन का मतलब है इस इक्वेशन का। तो अगर इसमें हम ये वाली ड्यूटी साइकिल प्लग इन कर दें, ये जो उसने डीटी की ये वाली वैल्यू प्लग इन कर दें, तो आपको एक साइनसॉइडल ड्यूटी साइकिल की वेरिएशन मिलेगी, जिसकी वजह से वो जो आउटपुट यहाँ पर निकलेगी जो एवरेज वैल्यू के से निकली गई है इक्वेशन, तो आपको एक साइनसॉइडल आउटपुट वी आउट नज़र आएगी। क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को ज़रा प्रॉपर फॉर्म में लिखूँ तो ये बनेगा वी नॉट is equal to 2t which is a function of time right now, और चूंकि ये function of time है तो इसलिए आपका main output भी उसी function of time का ये बन जाएगा -1 into vg। now अगर आप जो भी time की value put करेंगे आपको उस time पे v out की value मिल जाएगी and that equation is basically the average equation। और जो हम निकालते होते हैं ना इंडक्टर वोल्ट बैलेंस से और कैपेसिटर चार्ज बैलेंस से, उस तरह निकाली गई है,
तो ये आपको एवरेज वैल्यू देगी. तो एवरेज वैल्यू हर टाइम पर डिफरेंट होगी. एवरेज क्योंकि मूव कर रहा है साइनोसॉइडली, कभी एवरेज प्लस में है कभी एवरेज माइनस में है, जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स बन रहे हैं जिससे आपको साइनोसॉइडल आउटपुट मिल रही है. ठीक हो गया. अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन बनी कैसे. उसूलन तो ये काम आपको खुद करना चाहिए, लेकिन मैं साथ बता देता हूँ कि ये इक्वेशन कैसे डेवलप हुई है. ये वही इंडक्टर वोल्ट बैलेंस, कैपेसिटर चार्ज बैलेंस, जहाँ पीछे डीसी टू डीसी बक बूस्ट कन्वर्टर में करते आए हैं, का कन्वर्टर हो गया है इन सब में, वही टेक्नोलॉजी टेक्निक हम यहाँ अप्लाई करेंगे. तो पहला लूप, दो लूप बनते हैं ना, एक क्यू वन का लूप बनता है और एक क्यू टू का लूप बनता है. पहले हम क्यू वन वाले लूप को देखते हैं, उसका लूप ये बनता है. ये इसका लूप बनता है करंट का. तो आप इक्वेशन इसकी लिख सकते हैं ना, इस लूप के अंदर क्या है, वी जी, अच्छा वी एल को हम डिफाइन करते हैं, ये वी एल का ये वाला एंड जो है ना, उसको हम पोलैरिटी देते हैं प्लस और इसको हम देते हैं माइनस. ठीक है जी, ये पोलैरिटी हमने पक्की पक्की डिफाइन कर दी है वी एल की. तो वी जी इज इक्वल टू वी एल प्लस वी नॉट, यही बनता है ना. ये प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपस में ऐड हो गए, और इसका प्लस इसके प्लस के साथ है, इसका माइनस इस लूप के अंदर इसके माइनस के साथ है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये आपस में एक तरह से पैरेलल हैं, तो इक्वल का साइन आ गया. तो पहली इक्वेशन हमने निकाल ली, ये है इंडक्टर की वोल्टेज की इक्वेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल व्हेन ट्रांजिस्टर क्यू वन वाज टर्न्ड ऑन. तो अगर मैं वी एल का ग्राफ बनाऊं तो वी एल क्या होगा, वी एल इज इक्वल टू वी जी माइनस वी नॉट, यही बनेगा ना. तो वी एल का ग्राफ ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल जिसको हम डी कहते हैं, वो आएगा वी जी माइनस वी नॉट. ये फर्स्ट सब इंटरवल का हमने ग्राफ बना लिया वी एल का, जो हम पहले बक बूस्ट कन्वर्टर में बनाया करते थे, अभी हमने इसके लिए बनाया. अब हम इक्वेशन बनाएंगे क्यू टू के लिए. जब क्यू टू ऑन होगा तो उस वक्त क्या इक्वेशन बनेगी, तो उस वक्त पाथ ये बनता है करंट का. ये आपका करंट का पाथ बना, नीचे से ऊपर करंट जा रहा. इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो वी एल जो है ना, वो एक नेगेटिव वैल्यू के तौर पे नजर आती है. वी आउट की पोलैरिटी भी हमने फिक्स रखनी है, क्योंकि ऑथर यही करता है कि पोलैरिटीज जो हमने हर जगह ही ऐसा होता है, ऑथर की बात नहीं है, हर कोई यही करता है, जो पोलैरिटीज एक दफा फिक्स हो जाती है बस उसी को हम इक्वेशन के अंदर डालते हैं. तो इस केस में अगर आप देखें तो वी जी इज इक्वल टू माइनस वी एल माइनस वी नॉट, ठीक है जी. इसका प्लस इसके माइनस के साथ है, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ है, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ है. जब सोर्सेज का एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ लगा हुआ हो. जी यहाँ तक समझ आ गई चीजें, वो क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं रिज्यूम करता हूँ. सर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कॉपी से स्टूडेंट्स को एडमिट कर दें काइंडली, मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स को. असल में मैंने मुझे तो नजर नहीं आ रहे लॉबी में. आप देखें, आपको भी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप देखें इसमें ये स्क्रीन है और इसमें पीपल में जाके आप देखें तो यहाँ पर देखें 43 अटेंडीज हैं और सारे मौजूद हैं. बाकी मैं शेयर इनवाइट कर देता हूँ दोबारा से. सर इसमें से लॉबी वाला सिनेरियो हटा देना. मैंने ख़त्म कर दिया, आपके सामने रिकॉर्डिंग में भी आया होगा. मैंने इसमें जाके पार्टिसिपेंट्स में जाके मैंने मैनेज परमिशंस में, बल्कि इधर से तो नहीं, इधर से ही हो जाती है परमिशन, इस इधर से मैंने यहाँ से शायद किया था. सर वो मोर वाले तीन डॉट से आता है. हाँ उस पे शायद था, मैंने वहाँ से कर दिया था वो मीटिंग ऑप्शंस.
यहाँ पर मैंने लॉबी खत्म और मैंने मीटिंग की सेटिंग भी की थी ऑलवेज लेट कॉलर्स बाय पास नीचे से सेव करते सर इसको एक बार दोबारा नहीं मैं सेव तो किया तभी तो ये सेटिंग ऑलरेडी है वरना मैं इस विंडो को खोलता तो ये ऊपर होता दोबारा सेव कर देता हूं तो ये ऐसे ही है मैंने ड्यूरिंग द क्लास यहां से भी सेट किया था जब मैंने मीटिंग सेलेक्ट करा था उस तो मैंने किया था मैं दोबारा इनविटेशन लिंक भेज देता हूं उससे ज्वाइन करें मे बी हो जाए ओके सर मुझे थोड़ा बंद करना पड़ेगा इसको क्योंकि मैं सर मैं जी मैंने मोबाइल फोन से कॉल ज्वाइन की हुई है वहां से ज्वाइन है अब मैं लैपटॉप पे जब ज्वाइन करता हूं वहां पे मेरे पास फिर भी लॉबी आ रही है लॉबी जी सर अभी भी आ रही है अच्छा फिर इस तरह करते हैं इस मीटिंग को खत्म करते हैं और दोबारा मीटिंग क्रिएट करता हूं और क्या किया जा सकता है एक्सक्यूज मी सर सर इसमें ये मैंने देखा था कि जब आपकी जो ऑनलाइन वो ज्वाइन का आ रहा होता है ना जब हम आपकी टीम ज्वाइन करते हैं तो अगर लॉबी ज्वाइन करें तब लॉबी आती है लेकिन अगर कैलेंडर में जाकर ज्वाइन करें तब लॉबी का ऑप्शन नहीं आता तो ये फिर बताए ना ग्रुप में दो स्टूडेंट्स को कि अगर कल मैं तो कैलेंडर से ही ज्वाइन करता हूँ कैलेंडर में जहाँ डेट लिखी होती है वहाँ लिखा होता है जी इस टाइम पे मीटिंग है वहाँ ज्वाइन पे क्लिक करें तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली उधर भी आ रही है कैलेंडर वाले में भी आ रही है अच्छा चलो फिर मैं क्या करूं आप लोग बताओ न्यू मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं न्यू मीटिंग रिकॉर्डिंग बंद करके ना न्यू मीटिंग कर लेते हैं ठीक हो गया इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप